नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कन्हैयालाल पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिपदा पब्लिक स्कूल। आपको त्रिपदा पब्लिक स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। त्रिपदा पब्लिक स्कूल ग्रामीण प्रवेश में स्थित प्रकृति के गोद में एक ऐसा विद्यालय है जहां पे आप संस्कार के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो भी ऐसी शिक्षा जिसमें व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार ढाल सके और अपने जीवन में सारी ज्ञान को उतारते हुए आगे बढ़ सके। अब हम बात करेंगे जर्नी ऑफ त्रिपदा पब्लिक स्कूल। त्रिपदा पब्लिक स्कूल गात कला बड़ा गांव वाराणसी में स्थित एक विद्यालय है जिसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। इस विद्यालय को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 2014 में मिला था और कक्षा 8 तक की मान्यता भी 2018 में मिल गई थी। इसका 2018 में 12th तक सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएशन प्राप्त हुआ था और 2020 में 12th तक इसका अफिलिएशन मिल चुका था। त्रिपदा पब्लिक स्कूल में बहुत सारे पिलर्स हैं जिन्होंने कि बहुत दिन रात मेहनत करके हमारे स्कूल को आगे बढ़ाने में बहुत ही अपना अभिन्न सहयोग दिया, जिसमें सबसे बड़ी चीज हमारे टीचर्स और दूसरी स्टूडेंट्स और तीसरे हमारे बच्चे और सबसे बड़ी चीज जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उन्होंने हमें हर पहलू पर हर जगह खड़े होकर हमारा सहयोग किया। उन्होंने अप सेलिंग के साथ क्रॉस सेलिंग हमको सिखाई, यहां तक कि पेरेंट्स ने हमारी वर्ड ऑफ माउथ प्रचार किया जिससे कि आज हमारे पास 1000+ बच्चे हमारे पास हैं। हमारे टीचर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जहां पे कि आज हमारे बच्चे इवन वाराणसी जिले में टॉप करने के लिए टॉप कर रहे हैं और अच्छे अच्छे स्कूलों में जाकर वे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ की एजुकेशन पद्धति जो है काफी हटके है, यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। हमारा जो कल्चर है वो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय जो है आज की पाश्चात्य पद्धति को लेकर चकाचौंध में ये भूल चुके हैं कि हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना है, हमें अपने अस्तित्व को नहीं भूलना है। लेकिन आज का समाज अपने अस्तित्व को भूलता जा रहा है, लेकिन त्रिपदा पब्लिक स्कूल गुरु शिष्य परंपरा को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चों को इस ज्ञान को सिखाया जाता है, उनको यह ज्ञान दिया जाता है कि आप कैसे अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप अपने माँ बाप और पिता गुरु तथा बड़ों का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलेंगे। विद्यालय पहुंचेंगे तो अपने गुरुजनों का विश करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। इस हिसाब के साथ एक गुरु शिष्य परंपरा हम लोग चलाकर बच्चों को नई तरीके से पुरानी पद्धति के आधार पर शिक्षित करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जीव भी आगे बढ़े, वे अपने परिवार को लेके आगे पढ़े, वे समाज को लेके आगे। लेकिन हमारे बच्चे जो है वे एकांकी जीवन नहीं, वे लोगों के लिए जीवन समर्पित करें, ऐसा कल्चर हम लोग अपने स्कूल में देते हैं। साथ ही हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ गेम और स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था दिए हैं, जहां पर मानसिक बौद्धिक क्षमता के आधार पर शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि शरीर बल से मनोबल बढ़ता है। अगर हमारा शरीर मजबूत है तो हमारा मन मजबूत रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने छोटे बच्चों से लेके बड़ों बच्चों तक गेम और स्पोर्ट्स की व्यवस्था किए हैं। इसमें हम लोगों ने प्रतिवर्ष एनुअल स्पोर्ट्स 1 वीक का करते हैं, जिसमें कि सारे हाउस वाइज बच्चे पार्टिसिपेट करके प्राइज जीतते हैं। आगे हमारे पास बहुत ऐसे लोग विजिटर्स मोटिवेटर आते हैं जो हमारे साथ जुड़कर एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हैं, वे वर्किंग पीपुल हैं, कुछ लोग तो एंटरप्रेन्योर हैं। ये सारे लोग टाइम टू टाइम आकर हमारे बच्चों को गाइड करते हैं कि हाउ टू यू विल ग्रो इन योर फ्यूचर, हाउ यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे विल प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन वी विल प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज
जब हम बच्चों को रिवार्ड देते हैं, उनको प्राइज देते हैं, तो बच्चों के अंदर आंखों में एक चमक आ जाती है, एक चमक आती है, उससे उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे भी ये प्राइज लेना होगा। और जो बच्चे प्राइज नहीं पाते हैं, उनके अंदर ये भाव उठता है कि नहीं, इस प्राइज को मुझे भी पाना है, और जैसे इन लोगों ने प्राइज को प्राप्त किया है, वैसे मैं भी रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन में भाग लूंगा और मुझे भी वो प्राइज मिलेगा। साथ ही मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना और समझा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंट।